ओके नाउ आई हैव प्लेस्ड इट बैक ऑन द मैनिकन. मैंने हिप पे पिन किया है, मैंने मैनिकन हेम पे पिन किया है ऑन वेस्ट, और मैंने जो प्लीट्स बनाई थी इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स, मैंने उन्हें क्रीज दे के हल्का सा प्रेस कर लिया है ताकि ये मूव ना करें और ये अपनी शेप रिटेन रखें. ओके अब उसके बाद मैंने अभी यहाँ से वेस्ट लाइन डिफाइन नहीं की. नाउ जिस तरह मुझे पता था 20 अबव है वेस्ट लाइन, तो मैंने उधर ही पिन किया हुआ और यहाँ नहीं पिन किया हुआ. यहाँ से मैंने होल्ड किया हुआ अपनी प्लीट को 5 डाउन तक, ठीक है, ताकि ये खुले ना और साइड में ना जाए. मैंने यहाँ से भी इसे होल्ड किया हुआ और यहाँ से भी. अब सबसे पहले मैं ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेती हूँ. ये जो ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है ना, ये मुझे डिस्टर्ब करेगा. नीचे वाला फैब्रिक मत कट कर देना इस चक्कर में, तो जस्ट कट द अपर फैब्रिक. ओके अब यहाँ हमने एक चीज़ नोटिस करनी है. अभी जब मैं इसको इस तरह रखती हूँ तो यहाँ पे एक बबल आ रहा है. वो बबल किस तरह जाएगा जब मैं इसको यहाँ से ऊपर शिफ्ट करूँगी. ये देखें, अभी नीचे किया, जितना नीचे करूँगी यहाँ एक गोडे फॉर्म होता जाएगा. मैं इसको जितना रेस करूँगी वो उतना रिमूव हो जाएगा. देखें, बस इसको इसी तरह आपने रेस करना है ताकि यहाँ पे कोई बबल ना आए, और इसको फिर आपने पिन कर देना है. आई एम पिनिंग इट ऑन द वेस्ट लाइन. यहाँ से भी मैं इसे हल्का सा ओपन कर रही हूँ, जिस तरह आप देखो हमारे स्केच में थोड़ी सी वो खुली हुई है. मैं इसको इस तरह से नहीं पकड़ूँगी, हल्का सा इसको मैं यहाँ से पुल करूँगी ताकि थोड़ी सी ओपन हो जाए. देखें इस तरह से. इसको नीटली रेस करें. और यहाँ ले जाके मैंने साइड सीम के ऊपर पिन किया. नाउ आई एम गोइंग टू पिन इन बिटवीन यहाँ से. ये देखें इस तरह से, और यहाँ से भी नीचे से देखते जाएं कहाँ आ रहा है, जहाँ आ रहा है वहाँ पे पिन कर लें. ओके नाउ वी आर रेडी टू टेक मार्किंग्स. साइड सीम की कितनी ईज देनी है वो मैं अभी बिल्कुल हल्की सी डिफाइन करूंगी. वो करने के लिए मैंने अपने फैब्रिक को यहाँ से पुल करना है इस तरह से. आप देखो जब मैं इसको यहाँ से ऐसे पुल करती हूँ इसकी ईज सेट करते हुए और प्लीट्स को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास एक क्रीज आ रही है ये वाली. ये देख रहे हो आप यहाँ पे ऐसे. मैं इस क्रीज की मार्किंग ले लूंगी. ये देखें, ठीक है, सिर्फ मैंने इतनी इतनी ली है, मैं अभी नीचे से सारी नहीं ले रही. उसके अलावा आपने वेस्ट की मार्किंग लेनी है, साइड सीम. अब इस एरिया की मार्किंग लेने के लिए ना अपनी पेंसिल को आपने सही से पुश करना है, अच्छा प्रेस करना है ताकि वो वेस्ट लाइन की मार्किंग ले. सारे नीचे जितनी लेयर्स हैं हमें सारी फोल्ड्स की मार्किंग चाहिए. ओके नाउ आई विल टेक इट ऑफ द मैनिकन. इसको ट्रू करूँगी यहाँ से और इसे दोबारा मैनिकन पे ले आऊँगी बैक बना के.
टेक इट ऑफ द मैनिकन और अब मैं इसकी लाइंस को ड्रॉ करूँगी। ये देखें, ये मेरे जितने अंदर इनलेस बने हुए हैं उनके उनकी लाइंस आ चुकी हैं और मैं कोशिश करूँगी जितना स्ट्रेट फॉलो कर सकती हूँ लाइन को उतना करूँ। यहाँ पे थोड़ा कर्व आ रहा है, ठीक हो गया। ये मेरे इनलेस बन चुके हैं। अब मैं साइड को एक दफा देख लेती हूँ। ये बिल्कुल अभी रफ है, इसको डार्क मत कीजिएगा। मैंने हिपनॉच भी लिया हुआ है मैनिकन से और अभी बहुत स्लाइट सी मैं लाइन ना लगाने लगी हूँ, बिल्कुल हल्की सी। इसे मैं बाद में चॉप कर सकती हूँ काम ज़्यादा जितना रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग। मैं इस लाइन को थ्रू आउट एक्सटेंड करूँगी। प्लीज़ लाइन को कंटिन्यू किया करें, एज पे ना स्टार्ट किया करें। फ्रेंच ये अपना जापनीज पीछे से रख के स्टार्ट किया करें और उसे फिर कंटिन्यू किया करें। ओके, ये लाइन मैंने लगा ली है। मैं इसे दोबारा पिन करूँगी और इसे मैं बॉडिस के साथ अटैच कर दूँगी। अब मैं इसको रफली कट करने लगी हूँ 2 या 3 के अलावेंस पे और यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा एरिया रख के कट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको मैं थ्रू आउट कट कर लूँगी 20 को। नाउ लेट्स जस्ट पिन इट ऑन द लोअर पीस। इसकी अलाउंसेस होल्ड कीजिए 1 पे और इसे पिन करें यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल पिनिंग होगी। इसे वेस्ट पे साइड सीम तक पिन करते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने पिन कर लिया। नाउ फॉर द बैक, आई हैव टेकन द सेकेंड पीस। इसको मैं सीधा रख लूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द पीस ऑफ बैक। मैंने सेम उसी तरह किया है, मैंने 38 डाउन पे अपनी हिप लाइन मार्क की है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से 38 डाउन हिप लाइन मार्क की है। नाउ वी ऑल नो कि हमारा जिस तरह बैक पे हमने वेस्ट डार्ट वो सेंटर बैक डार्ट दिया था, उसी तरह हमने यहाँ पे भी देना है जो कि हिप तक जाता है। तो हमें ये भी पता है कि हमारी हिप से वेस्ट 19 होती है,
तो मैं 19 ऊपर जाके एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी और उसके बाद मैं उसको हिप से स्ट्रेट ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है, जैसे ऊपर हमने बास्ता किया था, पास से ऊपर किया था, सॉरी। अब बिल्कुल उसी तरह मैंने इनलेज बना ली है। मैं यहाँ से 1 आगे गई हूँ, मैंने लाइन एक्सटेंड की है। मैं 16 आगे गई हूँ, उसका सेक्शन बनाया 8 का। मैं एक और 16 आगे गई हूँ और उसका मैंने हाफ़ ले लिया है। सेम उसी तरह मैं इसको दोबारा से यहाँ पे प्लेस करूँगी जैसे मैंने पहले किया था, इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी, ठीक है। यहाँ मैं पिंस लगाऊँगी 5 तक, ठीक है, ताकि फिक्स स्टे खुले नहीं। और इसको मैं दोबारा मैनिकन पे लेके जाऊँगी और इसकी जो वेस्ट की ट्रोइंग है वो मैं करूँगी। उसके बाद मैं इनको दोबारा से पिन करूँगी और इसकी फ्लेयर देख लूँगी। Now I've placed it back on the mannequin. Now you can see the final look of front after drawing the waistline. मैंने पिन करके इसे अटैच कर दिया। If you see the side seam, तो अभी मुझे लगता है यहाँ पे हमें थोड़ा सा और फैब्रिक ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा लोअर करना पड़ेगा, लेकिन वो हम बैक के साथ देखेंगे। Now I am about to drape my back.